भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दाना तूफान के प्रभाव से शनिवार को उत्तरी ओडिशा और दक्षिण बंगाल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है तथा पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर और झारग्राम जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मदुरै में लगातार बारिश के बाद सेल्लूर और आसपास के निचले इलाकों में जलभराव हुआ। अलम गुलाम नहर के ओवरफ्लो होने के बाद पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में 27 और 28 अक्टूबर तक गर्मी बनी रहेगी, इसके बाद 30 और 31 अक्टूबर को हल्की गिरावट आएगी, लेकिन ठंड का एहसास दिवाली के बाद ही होगा। चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव के कारण शुक्रवार को झारखंड के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। केरल के कई हिस्सों में शुक्रवार सुबह से ही भारी बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर जल जमाव और यातायात जाम होने के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। 26 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है, उसके बाद इसमें कमी आ सकती है। केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वी झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।